हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश ब्लॉग। सुबह का आप सबका स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज है संडे के दिन और छुट्टी है तुम्हारे भाई की, रेगुलर एज यूजुअल पता ही है। तो गेटअप देख सकते हो तुम्हारे भाई का कुछ इस तरह का, और ये टी शर्ट है ना मैं सुगुरजीत भाई ने दी हुई है मेरे को। तो चलो ये खैर बात की बात है। तो आज आया मैं चाचू और के साथ में। तो हम आए हुए चार बंदे आए हुए हैं, चार बंदे आए, काकू आए हुए, चाचू आए हुए हैं और साथ में मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं। तो अभी खड़ा हूँ मैं टिक्कर ताला आया हूँ मैं मोरनी करके की जगह जो कि हरियाणा में पड़ती है, जो कि नाम सुना ही होगा आपने। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। तो भाई साहब ये देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। और सामने हो रही है बोटिंग भी, देखने में मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हम तो नहीं करेंगे बोटिंग वोटिंग आई थिंक, बिकॉज बारिश हो रही है अभी। सो अभी करते हैं एक्सप्लोर यहाँ पे क्या क्या चीज़ है और क्या प्राइस रहेगा बोटिंग के। तो ये है पार्किंग एरिया, तो यहाँ पे गाड़ियाँ पेड पार्किंग है। सो उसके बाहर आप सड़क पर भी गाड़ियाँ लगा सकते हो, मेरी बाइक भी वहीं पर खड़ी है, अच्छी बाइक भी वहीं पर खड़ी है। तो हम पेड पार्किंग में नहीं जाएंगे, तो उसके आगे पता नहीं कुछ है समथिंग घूमने के लिए, मेरे को तो नहीं इतना पता है, मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो बट हाँ ऊपर ऊपर पहाड़ियों तक आया हूँ मैं, ऊपर से मैंने नीचे तक रखा हुआ है। तो अभी सोचा नहीं है क्या सीन है क्या बनेगा। तो बारिश हो गया शुरू, तो हमने ले लिया एक ब्रेक यहाँ पे। सो ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है यहीं से ही। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल पर लो लाइक। सो देखते हैं कुछ सिनेमेटिक से शॉट यहाँ पे और करो ब्लॉग इन्जॉय। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ हो रही है सामने बोटिंग, वो देख भाई साहब नजारे पूरे पूरे आ रहे। और बारिश खतरनाक बारिश हो रही है, छाता मार लिया तुम्हारे भाई ने किसी का, आई डोंट नो किसका आई है। तो जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक इसी छाते से एंजॉय करेंगे। बाकी वो मिल सकते सामने पब्लिक क्या बोलती है, ये देख सकते हो काकू भैया को। काकू भैया कैसा लग रहा है आपको, गार्डनिंग गार्डन हो रहा है दिल एकदम। और तुम्हारा भाई जा रहा है रोंडी मारने छाते के साथ, अपने न्यू छाते के साथ में। और यू नो आई एम द प्रो मैन, ये तुम्हारा भाई ग्रेट है। चलो तो भाई वो देख सकते हो सामने रिजॉर्ट बने हुए हैं यहाँ सारे के सारे, तो यहाँ पे आप इजीली स्टे कर सकते हो। तो आई डोंट नो यहाँ पे कितना रेंट वगैरह है क्या कुछ है। तो यहाँ पे बूट कैंपिंग भी होती है, तो यहाँ होती है भाई बूट कैंपिंग भी, खतरनाक बूट कैंपिंग होती है। हम नहीं करेंगे, किसी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो करेंगे कैंपिंग वैम्पिंग। अभी तो बरसात का टाइम चल रहा है, बारिश हो रही है, खतरनाक बारिश हो रही है। सामने चल रहा है बंदा बंदी का फोटो शूट भी, और तुम्हारा भाई भी वहीं जाने वाला है थोड़ी देर में। तो ये देख सकते हो सामने रिजॉर्ट वगैरह कुछ, और यहाँ पे सामने वो देख सकते हो गाइस डीजे भी लगे हुए हैं सामने, और फूड कोर्ट है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप कर सकते हो अपना मील कोई भी इंजॉय। सो भाई बंदा देख सकते हो सामने कितना ब्राइट सा बंदा, और बंदी कितनी सही है। हेलो गाइस, हाय, आज आए हम आज टिक्कर ताल में। ये जो आप पीछे लेक देख रहे हो सो ब्यूटीफुल लेक, आओ और आप भी नजारे लो पूरे लेक के। तो भाई तुम्हारे भाई ले आया था, मैं बच्चे तो नहीं लेके आया था मैं, बट ये इंतजाम हो गया है तुम्हारे भाई का, स्टाफ चलता है तो यू नो समझ सकते हो। सो आई एम सो प्रो। सो ये देख सकते हो सामने हो रही है बोटिंग, वहां से बोट तक
एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, तो 500 रुपए पर पर्सन है इलेक्ट्रिकल बोर्ड का, तो जो भी जा सकता है तो जा सकता है, एक ही बंदा उसमें जाएगा तो दूसरा बंदा साथ। भाई काफी एक नंबर प्लेस है ये, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंदीदा लगा है, अगली बार भी हम जरूर विजिट करेंगे यहाँ पे, सो भी हो सकता है शायद हम कहीं आगे चले जाए। तो यहाँ पे देखते रेस्ट एरिया पूरा पूरा बना हुआ है, अगर आप थक जाते हो तो इजिली रेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के कुछ भी पार्टी वगैरह इंजॉय करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो काफी वो है, आज तो खैर बारिश हो रही है, ज्यादा भीड़ नहीं है, तो सबसे बढ़िया बात ये है कि ज्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, और मेरे पीछे जो है लॉज वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, सो आई डोंट नो इनका क्या प्राइस रहेगा, तो जो भी है मैं आपको बता दिया जाएगा उसमें वीडियो में। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट। सो भाई यहाँ पे फूड कोर्ट एरिया छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे आप खा सकते हो जितने की चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, और ये है यहाँ पार्किंग, सो जो कि पेड पार्किंग रहेगी, फ्री पार्किंग नहीं है, अगर टू व्हीकल है बंदे वास्ते तो जरूरी नहीं है यहाँ पे पार्क करना, वो बाहर भी पार्क कर सकता है रोड पे, काफी जगह है यहाँ पे, सो गाड़ियों के लिए भी होगी, थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ेगा बट इसके लिए। भाई ये देख सकते हो आप हमारे बाइक की, बाइक मैंने यहाँ पार्क करके रखी थी, फ्री पार्किंग के चक्कर ऐसे ही होता है, तो आप ना लगाए ऐसी चीजों की जगह पे, तो बाइक गिर गई थी मेरी यहाँ पे, तो सामने भी तो मिट्टी बस गई थी यहाँ पे नीचे के लिए, तो बारिश हो गया तब करके स्टैंड लेटा हो गया एक साइड के लिए, तो बड़ी नुकसान हो गया तुम्हारे बाइक का सिर्फ 20 मिनट के चक्करों में, तो आप ऐसा ना करें, तो अपनी बाइक को सुरक्षित पार्क करें। और भाई अब मेरे को नया डलवाना पड़ेगा ये, तो भाई साहब मतलब उम्मीद नहीं थी यार तुम्हारे भाई को, तो जिस टाइम पे मैं लास्ट टाइम भी कर गया था तो ये स्क्रैच पड़े थे इस पेपर, तो मैं सोच रहा था इसको चेंज करने के लिए, बट अभी ये पूरी तरह से टूट गया है, तो अब हम डेफिनेटली इसको चेंज ही करेंगे। सो इसके पास भी पैसे पूछे हैं तो मेरे को गूगल पे कर सकता है, तो स्कैनर लगा दूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे, तो सहयोग करें भाई अपने ज़्यादा से ज़्यादा, और कम सकते हैं ना तो क्या बोल सकते हैं। अच्छा अच्छे ने ले लिया मेरी बाइक, तो चाचे की पार्टी है अभी पेंडिंग, तो चाचे सबसे पहले मांगी हम चंडीगढ़ जाके पार्टी, और छुट्टी भी आने वाला है आज भी, अभी तो ये प्रोग्राम है आज डेस्टिंग करा देना, तो मैं आपको उसके अंदर भेज ही रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा पार्टी के लिए भी कर देना, मांगे कि मिले चखने का इंतजाम कर देना गाइस, ठीक है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं, मोरनी तो वैसे अभी हम मोरनी जा रहे हैं, काफ़ी हो रहा है मोरनी जाएंगे, तो ये है दिक्कत हाल है, तो आई डोंट नो मैं इससे आगे का दिन गया हूँ, आपसे पहले परसों दिन गया होगा मेरे ख्याल। भाई हम रुके थे यहाँ पे चाय पीने, तो हमने पी लिया चाय, तो अभी जा रहे हैं आगे, तो चलो लेट्स गो मिलते हैं मोरनी में। भाई सो गाइस ये पहुंच चुके हैं मोरनी इस टाइम पे भी, और तुम्हारे भाई के सामने कुछ इस तरह का ज्यादा खतरनाक समझा रहा है, ये देख सकते हो बिल्कुल जमीन भर की तरह भी पूरा बुरा, और सामने कुछ कैंपिंग वगैरह भी रखी है यहाँ पे, तो रिजॉर्ट वगैरह बनाए हुए हैं जगह जगह के, तो अगर आप आओगे यहाँ पे स्टे करने के लिए तो इजिली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे सारी सुविधा की चीजें, काफी बढ़िया नजारा है, हाइट पे है काफी ज्यादा एकदम से, तो यहाँ देख सकते हो काकू वगैरह लग गई है, ठंड बहुत ज्यादा ठंड लगी है, तो वार्म अप हो रहा है लौंडा भी, तो धूप भी देख सकते हो सामने किस तरह का मौसम हो रहा है खतरनाक, और चाचू पता नहीं यार कहाँ लेके आ गया अभी हमारे को, इसको खुद ही नहीं पता बेचारे को जाना कहाँ है इस टाइम पे, तो अभी हम भूल गए हैं, अभी हम आगे से आ रहे हैं मोरनी से 2-3 किलोमीटर आगे से आ रहे हैं पीछे की तरफ से वापिस, तो यहाँ मोरनी हिल्स करके एक जगह है, तो मेरे को तो नहीं पता ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो जिसको भी पता होगा कमेंट करके बता देना तुम्हारे भाई को, तो क्योंकि अगली बार जब हम आएंगे वहां पे विजिट जरूर कर सके। सो अब भी कर रहे हैं हम, भाई ठंड लग रही है यहाँ पे बहुत खतरनाक ठंड लग रही है, और तुम्हारा भाई हो गया पूरा एकदम निचोड़ने के लिए हो गया कपड़े, सो वेल अभी सफर जारी है। चाचा फिर यही ध्यान से देखिए इस शख्स को, यही वो बंदा जो हमारे को लेके आया हुआ है, तो अब इस बंदे को पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो इसने काट दिया हुआ बड़े वाला हमारा, ठीक है ना समझ सकते हो, तो भाई पूरे भीग चुके हैं हम, ये देख सकते हो सारा कुछ गीला हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भाई
भाई देख सकते हो नवी भाई ओ आई एनएस देखो गाइस कितना खतरनाक कोहरा पड़ रहा है यहाँ पे। सती माता मंदिर वाला जय माता फोटो एडमिट।